धोनी की टीम में विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल जैसे जबरदस्त खिलाड़ी हैं, जिन्हें शॉर्ट में केजीएफ कहा जाता है। और हर मैच में विराट कोहली अपने फुल फॉर्म में भी रहते हैं और इस समय एक के बाद एक हाफ सेंचुरी भी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस टीम के साथ ऐसी तो क्या दिक्कत है जो ये जिता जिताया मैच हार जाते हैं। अभी केकेआर वर्सेस आरसीबी के मैच में आरसीबी ने रन तो बहुत बढ़िया बनाए, लेकिन उसे डिफेंड करने में ये लोग बुरी तरह से फेल हो गए। अब क्या है इनके फेल होने की कहानी और क्यों इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद भी ये नहीं जीत पाते, तो चलिए समझाते हैं ऐसा इस टीम के साथ क्यों होता है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आरसीबी के पास बैट्समैन तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। इस टीम के कैप्टन फाफ डुप्लेसिस आकर अच्छा ओपनिंग भी कर देते हैं, फिर उनका साथ विराट कोहली भी दे देते हैं, जिनके ऊपर लगभग आधा मैच टिका रहता है। और इस समय दिनेश कार्तिक भी अच्छे फिनिशर के रूप में शामिल हो रहे हैं टीम में, लेकिन अभी तक ना तो ग्लेन मैक्सवेल और ना ही बाकी कोई बैट्समैन कुछ खास फॉर्म में दिखे हैं, लेकिन बैट्समैन तो फिर भी ठीक है। जहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इनकी बॉलिंग लाइन में, जिसकी वजह से ये सामने वाली टीम को रन बनाने से रोक ही नहीं पाते हैं। तो इस समय आरसीबी को अपनी बॉलिंग में काफी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तभी ये आईपीएल के फाइनल तक पहुंच सकती है। वैसे भाई अगर सोचा जाए, विराट कोहली अगर बॉलिंग में दमदार होते तो क्या ये बुमराह और जडेजा को टक्कर दे पाते? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।